एवरीवन, वेलकम टू डिजी हंट। मैं हूं रुचि और आज हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लिए गए डिसीजन के बारे में। आज उन्होंने अराउंड 118 ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया। इस लिस्ट में फेमस मोबाइल गेम पबजी मोबाइल और पबजी लाइट भी इंक्लूडेड हैं। आपको बता दें कि इस गेम में अराउंड 33 मिलियन यूजर्स सिर्फ इंडिया से हैं और डेली यूजर्स अराउंड 13 मिलियन हैं। ये डिसीजन एक ऐसे टाइम पर आया है जब इंडिया और चाइना के बीच टेंशन चल रही है। इसके पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक फेमस वीडियो ऐप टिकटॉक को भी बैन किया था। मिनिस्ट्री को कई ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये ऐप्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील करके इंडिया के बाहर मार्केट में बेच रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि दिस डिसीजन इज अ टारगेटेड मूव टू एंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। इसका मतलब ये है कि इस मूव से इंडिया के जितने भी मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स हैं उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट होगा। इससे पहले जब टिकटॉक बैन हुआ था तो इंडियंस के बीच हलचल मच गई थी और अब देखना होगा कि जब पबजी बैन हुआ है तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। If you like this video, please like, comment and share this video with your friends. Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get the notification whenever we upload a new video. Till then, bye bye and take care.